हे गाइस दिस इज घुमक्कड़बंदी और ये वाला वीडियो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी बनाने का बट बना नहीं पा रही थी तो इन uh, जनरल क्या होता है कि जब भी हम ट्रैवल करने जाते हैं तो हमारे पास दो या तीन दिन ही होते हैं और ज़्यादा ज़्यादा एक हफ़्ता होता है बट जो हमारा हमारी स्टेट्स की डाइवर्सिटी और इतना सारा कल्चर uh, है किजी है पहनावा है लाइफ स्टाइल वो हम एक दो दिन में उससे समझ नहीं पाते सो so, बेटर कि पहले हम उसके बारे में थोड़ा पहले से जान लेंगे तो हम जब वहाँ जाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ और बहुत सारे ऐसे ट्रैवल शोज़ हैं जो हमें देखने चाहिए जो कि हमारी नॉलेज को तो बढ़ाते ही हैं प्लस जब हम उस जगह ट्रैवल करते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं और अभी ऐसा हो रहा है कि हम ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो जब तक हम ट्रैवल नहीं कर सकते एटलीस्ट हम उसके बारे में बात कर सकते हैं उसे देख सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्रीज़ इतनी अच्छी बनाई हुई हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं ही हैं सो मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट्री शेयर करती हूँ तो सबसे पहले शुरू कीजिए राजा रसोई एवं अन्य कहानियों से ये नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है और इसमें मुझे लगता है आठ से नौ सीज़न है और हर एक अलग अलग स्टेट पे हैं ये राजस्थान से शुरू होता है और जैसे कि अपने इंडिया में राजस्थान जो है जो सबसे कलरफुल स्टेट माना जाता है और सबसे ज़्यादा जो फ़ॉरन क्राउड है वो वहाँ आता है हालाँकि हर स्टेट की अपनी अलग अलग क्यूज़ीन है और अलग अलग कल्चर है वहाँ पर वो कल्चर कैसे आया है ये जानने के लिए Uh, तो आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे राजस्थान की मिर्ची बहुत फेमस है तो क्या वो मिर्ची वहीं की है uh, जैसे कि राजस्थान में दाल बाटी बहुत फेमस है तो दाल बाटी वहाँ खाना कैसे शुरू हुई वहाँ पे वो किज़ीन कैसे आई सबसे पहले दाल बाटी कैसे बनी तो ये जो सारे कल्चर हैं वो कैसे आते हैं किसी शहर में और कैसे बस जाते हैं तो उसके बारे में हैं इसके अलावा राजा रसोई का मतलब है कि जो आ, राजा की रसोई रसोईया होता था और बड़े बड़े शेफ़ होते थे और अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे उनमें क्या पकवान बनता था उनकी क्या रेसिपीज़ होती थी ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें सारी डॉक्यूमेंटेड हैं और लोगों ने इसकी रेसिपीज़ तक लिख रखी है तो क्योंकि अभी जब हम देखते हैं तो हमारे पास हमें ऐसा लगता है कि यार कितने सारे पकवान हैं इतने सारे पकवान कहाँ से आए इतनी सारी रेसिपीज़ किसने बनाई तो ये धीरे 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 ऐसे कलेक्ट हुआ है और ख़ासकर लोग बताते हैं कि जो शेफ़ होते थे जो रसोई रसोई घर के शेफ़ होते थे बड़े बड़े राजाओं के यहाँ वो अपनी जो रेसिपी होती है वो काफ़ी सीक्रेट रखते थे और वो किसी को नहीं बताते तो इस तरह की बहुत सारी आ, उससे मिली जुली आपको जानने को मिलेंगी Uh, दूसरा इसका स्टेट जो है राजा रजो एवमान कहानियों में जो दूसरा स्टेट दिखाया वो तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में कभी नहीं गई बट जब मैंने तमिलनाडु वाला सीज़न देखा तो वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं तमिलनाडु ही पहुंच गई हूँ तो काफ़ी सारा कल्चर जो है वो आपको इसे जानने को मिलेगा तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें uh, फिर दूसरी चलते हैं तो दूसरी सीरीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो प्राइम वीडियो अमेजोन प्राइम में अवेलेबल है दैट इज़ एकांत एकांत का मतलब होता है सुनसान तो हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसी ऐसी ऐसे मिसकंसेप्शन मिसकंसेप्शंस हैं कि बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस हैं इंडिया में और मोस्टली जो कि है राजस्थान में लोग बोलते हैं और काफ़ी सारा ऐसा कुछ उसके उसके इर्द गिर्द -दि कहानियाँ बहुत सारी बनाई गई हैं राजा महाराजों की कहानी प्यार की कहानियाँ बिट्रायल की कहानियाँ और बहुत सारा ऐसा कुछ है तो ये जो ये जो सीज़न है वो हमारे इतिहास को दिखाता है जितने भी सारे हमारे यहाँ अभी जो फोर्ट्स हैं रियूंड हो चुके हैं उनके पीछे क्या कहानी है वो कब बने वो कैसे बने किसने उस पर राज किया और उसके बारे में सारी कहानियाँ और जो सारे मिसकॉन्सप्शनस हैं जनरली जो मिसकॉन्सपन्स हैं कि नहीं ये बहुत हॉन्टेड प्लेस है यहाँ नहीं जाना चाहिए और बहुत कुछ उसके अराउंड जो कहानियाँ हैं वो सारे डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे क्योंकि एवरी थिंग इज़ सो डॉक्यूमेंटेड और मतलब तीन चार लोगों से बात करके बहुत सारे जो जानकार हैं उनसे बात करके वो कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअल इसकी स्टोरी कहाँ कहाँ थी तो सबसे पहले इसमें जो कुल धरा करके आपने जगह सुनी होगी राजस्थान का एक बहुत ही वीरान गांव है जहाँ पे अब कोई नहीं रहता बिल्कुल बंजर है पूरा रिंड हो चुका है तो ये वहाँ से शुरू करते हैं कहानी और वो बताते हैं कि एक्चुअली उसकी क्या कहानी है रातों रात वो गाँव क्यों खाली कर दिया गया और लोग वहाँ से क्यों माइग्रेट हो गए तो उसके बारे में कुछ लोग उसकी लव स्टोरीज़ बताते हैं और बहुत कुछ बताते हैं बट जब आप ये सीरीज़ देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि एक्चुअली उसके पीछे का जो इतिहास है वो क्या है और जो मिसकॉन्सैप्शन हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद काफ़ी सारे फोर्ट्स हैं जो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में एक फोर्ट है मुरुद जंजीरा करके उसके बारे में बताया गया और ऐसे इसके दो सीज़न हैं और इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेरीटेज के बारे में आर्किटेक्चर के बारे में और अपना जो हिस्ट्री है उसके बारे में मिलेगा तो ये दूसरा सीरीज आई विल रिकमेंड कि आप ज़रूर देखें फिर तीसरा सीरीज़ जो आता है वो है टेल्स बाय लाइट टेल्स बाय लाइट मेनली जो फोकस कर रहा है वो फोटोग्राफर्स को कर रहा है और वो इस बेसिस पे कर रहा है कि हम ऐसा देखते हैं कि कोई भी फोटोग्राफ हम देखते हैं तो वो यू नो सम समथिंग दैट इट्स सेल्फ टेल्स आर स्टोरी हम ऐसा कहते हैं कि जो एक फ़ोटो होती है वो खुद भी अपनी एक स्टोरी बताती है और हर फोटो के पीछे एक कहानी छुपी होती है ये बिल्कुल सही बात है फ़ोटोज़ ना कि सिर्फ सुंदर चीज़ों को दर्शाती है बल्कि अगली भी हमको कहना चाहिए कि जो जो ख़राब चीज़ें हैं जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी काफ़ी सारी कैप्चर हो जाती हैं और लोगों को ये बात पता चलती है कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है तो टेल्स बाई लाइट एक फोटोग्राफ़र की स्टोरी है जो दूर दूर जा ट्रैवल करता है और बहुत सुंदर सुंदर और सच ट्रुथ जो स्टोरीज़ हैं वो कलेक्ट करके लाता है कैप्चर करके कर लाता है और इसी तरह इसकी कहानी बांग्लादेश से शुरू होती है कि बांग्लादेश में क्या स्थिति है लोगों की और ऐसे ऐसे करके वो बढ़ता जाता है तो टेल्स बाई लाइट भी एक बिल्कुल ट्रू बेस्ड स्टोरी है वो रियल टाइम पे ट्रैवल करता है और देखता है कि क्या चल रहा है तो ये भी बहुत अच्छी एक ट्रू एक्सपीरियंस की स्टोरी है आ, फिर फोर्थ नंबर पे बात करें तो आई विल रिकमेंड की द कॉलिंग द कॉलिंग करके आप देखें द कॉलिंग एक अ, थोड़ी हटके सीरीज़ हैं ट्रैवल सीरीज़ थोड़ी हटके हैं वो कैसी है थोड़ी आ, हमको कहना कि रियल टीवी शोज जैसे होते हैं वैसे ही है इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं दो तीन लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें अलग अलग चैलेंजेस दिए जाते हैं जैसे कि ये कहानी शुरू होती है आ, कश्मीर से तो कश्मीर में कश्मीर में जो तीन हैं तीन पार्टिसिपेंट्स वो वो मिलते हैं और उन्हें अलग अलग चैलेंजेस दिए जाते हैं जिसमें काफ़ी सारा लोकल इंटरेक्शन शामिल होता है कि आप कैसे लोकल से बात करें और कैसे अपनी अपनी अपना मतलब कैसे वहाँ पे सरवाइव करें कैसे लोगों से बात करनी चाहिए इंटरेक्शन कैसे करना चाहिए वहाँ की क्या चीज़ें फेमस हैं खाने में लोग क्या खाते हैं पहनावा वहाँ का कैसा है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको अलग अलग चैलेंजेस दिए जाते हैं उसके बाद जो जीतता है उसको नेक्स्ट ट्रिप दी जाती है तो ऐसे ही ऐसी ही कॉलिंग स्टोरी है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो Uh, जो ये इंडिया बेस्ड स्टोरी है इसमें इंडिया के आपको शहर दिखाएंगे जैसे लेह लद्दाख दिखाया जाएगा तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इसलिए आई आई विल रिकमेंड कि आप द कॉलिंग भी देखें और ये थोड़ी हटके भी है अपार्ट फ्रॉम ऑल डॉक्यूमेंट्री ये थोड़ा रियल टाइम सिनेरियो है और फिफ्थ जो है वो है बहुत ही बहुत ही uh, अच्छी सीरीज़ है बहुत पुरानी सीरीज़ है और ये मस्ट वॉच सीरीज़ है एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर ट्रैवलर्स बल्कि हर ह्यूमन बींग को ये स्टोरी देखनी ही चाहिए दैट इज़ आर प्लानट आर प्लानट हमें बताता है कि हमारा प्लानट कैसा है ये जानना बहुत ज़रूरी है जबकि हम लॉकडाउन में हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पता चल गई हैं कि हमने कितना अपनी अपनी जो अर्थ है उसको पॉल्यूट कर रखा है कितना ज़्यादा मतलब छोटी छोटी चीज़ों से कितना ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं तो उसमें और कई बार हमको ये बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती कि मतलब जो जीव जंतु हैं या किसी भी प्रकार के पशु पक्षी हैं या जो हमारी सी लाइफ है जो हमारी एनिमल लाइफ है जो हमारी फूड चेन है वो कैसे काम करती है तो इसके बारे में काफ़ी सारा आपको एक एक चीज एक एक चीज़ उनको बताया बताया जाएगा आपको कि कैसे कैसे आ, कैसे कैसे जो है चीज़ें बढ़ती हैं और आ, मतलब हर हाँ जो जानवर है जो इस प्लेनेट पर है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है छोटे से लेके छोटा से लेके छोटा और बड़े से लेके बड़ा तक एवरी एवरी एनिमल वाइट सो इम्पॉर्टेंट फॉर आर अर्थ और सब एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है बहुत 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 ज़्यादा कनेक्टेड कैसे जो जो एनिमल्स हैं जो सी लाइफ है वो कैसे हमारे टेम्परेचर को मेनटेन करने में और हमारे अर्थ को सिक्योर करने में और ह्यूमन लाइफ मतलब कोई भी लाइफ ऑन द अर्थ को सस्टेन कराने में हमारी हेल्प करती है तो ऐसा काफ़ी कुछ है ये दिस इज़ लाइक रियली मस्ट वॉच सीरीज़ और इसका एक भी सीजन आपको मिस नहीं करना चाहिए इसका हर एक एपिसोड आपको देखना चाहिए और आपको बहुत सारी अवेयरनेस आएगी तो आप बेटर कनेक्ट कर पाएंगे नेचर से ऑल्सो आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपको पता चले रहे पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए डूज़ एंड डोंट्स एंड आप बहुत बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे सो दीज ऑल फ्रॉम माय साइड सो ये पांचों सीरीज़ आप देखें आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप हाँ ट्रैवल कर रहे हैं जब तक कि हम एक्चुअल ट्रैवल नहीं कर पाते एंड अपार्ट फ्राम देट देर यहाँ और भी बहुत सारी सीरीज़ हैं जो ट्रैवल पर बेस्ड है जिसमें आप काइंडस्ट डायरीज़ देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है उसके अलावा आप इंस्टेंट होटल देख सकते हैं आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर देख सकते हैं आप स्ट्रीट फूड देख सकते हैं स्ट्रीट फूड में जो पहला एपिसोड है वो दिल्ली का है तो वो तो पहला एपिसोड है वो आप ज़रूर देखें तो आप बहुत बेहतर दिल्ली से कनेक्ट कर पाएंगे कि दिल्ली में दिल्ली का जो खाना है वो कहाँ से शुरू हुआ दिल्ली में जो चाट बनती है वो क्यों बनती है और आ, मतलब वहाँ के लोग चटपटा खाना क्यों पसंद करते हैं दिल्ली में काफ़ी सारा जो है इम्पैक्ट वो मुगल्स का है और काफ़ी सारा डिशेज़ भी है वो मुगल्स की बनती हैं वो कैसे बनती हैं वो कैसे वहाँ पर आई ये आपको जानने को मिलेगा इसके अलावा आप एक अगली टूरिस्ट करके भी सीरीज़ है वो भी आप देख सकते हैं इन जनरल आप अगर नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम या इवन यून यूट्यूब बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ हैं आप अगर ट्रैवल करके सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ कंटेंट मिल जाएगा और आप उसके इर्द गिर्द घूम सकते हैं तो ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ ये सारी स्टोरीज़ आप देखें और जब तक ट्रैवल नहीं कर सकते तो इसका मज़ा लें सो स्टेट बिथ बंदी